कुछ नहीं कह रहा किसी को भी, ऊपर जाने दो, कुछ चले आओ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपक नेगी स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से शहर कोटद्वार सने से, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपक नेगी ब्लॉग में। तो दोस्तों, जो आज का ब्लॉग होने वाला है वो काफी मजेदार ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज आपको मैं ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ से कोटद्वार का व्यू पॉइंट दिखता है। तो दोस्तों, वो जगह है कोटद्वार से 22 किलोमीटर दूर और काफी हाइट में वो जगह है, वहाँ से कोटद्वार का सारा व्यू पॉइंट दिखता है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और काफी मजे वीडियो में आने वाला है, और मिलते हैं हम आपको आगे के सफर की ओर। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार मार्केट में, और आप देख सकते हैं कोटद्वार मार्केट का कुछ नज़ारा, और यहाँ से चलते आगे की ओर। और मौसम भी ठीक है, अभी ज़्यादा तेज धूप भी नहीं है। और तो दोस्तों, ये रोड है चले कुलिंडा की, जिस रोड में हमें जाना है, और काफ़ी घुमावदार रोड है। और अभी तो पूरे आगे तक ऐसी है, उसके बाद जाके सीधी रोड है आगे, क्योंकि काफ़ी हाइट में है तो रोड ऐसी ऐसी घूम घूम के ऊपर तक जाती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप व्यू, ये है कोटद्वार, और खो नदी किनारे कोटद्वार बसा है। और इन्जॉय करिए आप भी इस व्यू का, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और चलते हैं आगे की ओर। अब हम तो दोस्तों, इस वक्त हमारी जगह में है, यहाँ से सिद्धमली मंदिर का थोड़ा दृश्य दिख रहा है, क्लियर तो दिखेगा नहीं क्योंकि आगे पूरे पेड़ ही पेड़ है। और ये थोड़ा कोटद्वार का नज़ारा देखिए, काफ़ी बढ़िया जगह है ये, आप भी आइए एंजॉय करिए यहाँ। तो दोस्तों, फाइनली इस रोड में एक गांव देखने को मिला हमें। इस रोड में गांव तो कम ही है, और एक छोटा सी गांव देखने को मिला गजेटा नाम से, और घर भी इस गांव में कम ही है, तीन चार घर देखने को मिल रहे हैं। और चलते आगे की ओर, जो भी दिखता है आपको दिखाएंगे हम। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप नज़ारा, क्या बढ़िया दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कहते हैं ना जन्नत, वही जन्नत इस वक्त हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। पूरा नीचे, मतलब यहाँ पे थोड़ा रोड भी कच्ची है और पूरा नीचे खाई टाइप की है, और ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, काफ़ी मज़ेदार दिख रहे हैं। और बस ये भी बोलना चाहूँगा मैं, यहाँ पे थोड़ा आराम से चलिए, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं और यहाँ पे लैंडस्लाइड भी होते रहती है, और इस वक्त पूरी कच्ची रोड है यहाँ पे आधे किलोमीटर की। तो नज़ारा तो बढ़िया देखने को मिल रहा है, उसके साथ रोड भी थोड़ा ख़राब है, तो यहाँ पे थोड़ा आराम से चलने की कोशिश करिए, ये बोलूँगा मैं। और आप नज़ारे का फुल एंजॉय लीजिए हमारे साथ, और चलते हैं हम, तब इसके बाद आगे का दृश्य दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, एक गांव देखने को मिला, इस गांव का नाम है रामणी, और काफ़ी बड़ा गांव है, और काफ़ी घर भी इस गांव में नज़र आ रहा है। जैसे पहला गांव दिखा था उसमें तीन चार ही घर थे, और ये काफ़ी बड़ा गांव और काफ़ी फैला भी है, और काफ़ी बढ़िया दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है गांव का भी, और सड़कों का भी, और बादल देखे ऊपर, और क्या बढ़िया नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों ऊपर पहाड़ देख सकते हैं आप, काफी बड़े पहाड़ है और ऊपर बादल लगे ना, एकदम बढ़िया व्यू यहाँ से नजर आ रहा है। और देख सकते हैं आप काफी मस्त व्यू जिसे कहा जाता है ना, वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है इस वक्त। तो दोस्तों आप भी आइए इस जगह में, एंजॉय करिए हमारे साथ, हम तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ऊपर पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे एक मंदिर भी है और काफी हाइट में ये मंदिर है और लोग जाते भी होंगे वहाँ, रात तो हमें पता नहीं चल रहा कहाँ से है, बट काफी ऊपर है मंदिर। तो दोस्तों ये है रामणी गांव का मार्केट और देख सकते हैं आप, मार्केट तो छोटा ही है पर सामान आपको सारा उपलब्ध हो जाएगा यहाँ। मतलब दोस्तों दुकानें ज्यादा नहीं है, 7-8 ही दुकानें यहाँ देखने को मिल रही है इस वक्त, पर दुकानों में सारा सामान भरा हुआ है। और दोस्तों ये जो रोड है इसी रोड से हम आगे अब निकल जाएंगे डुगाटा की साइड के लिए, क्योंकि अब टाइम भी हम पे इतना है नहीं कि हम पूरा चरेक तक जा सके। तो दोस्तों जो गांव था वो गांव के लोग यहीं से पानी भर के ले जाते हैं और इस वक्त देख सकते हैं आप काफी तेज पानी आ रहा है यहाँ पे, और चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने हाइट में गांव बसे हैं यहाँ पे, और काफ़ी परेशानियाँ भी लोगों को झेलनी पड़ती है, जैसे कुछ ज़रूरी काम होता है फिर उतनी चढ़ाई में ऊपर आना पड़ता है और नीचे, फिर यही थोड़ा गांव की परेशानियाँ हैं। और चलते आगे। तो दोस्तों ये है गांव का स्कूल, और आपने देखा ही था गांव कितने ऊपर है और स्कूल कितने नीचे, तो बच्चों को थोड़ा ये परेशानियाँ देखनी पड़ती है और तब स्कूल आना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से कोटद्वार है 15 किलोमीटर दूर, और कुछ ज़्यादा लंबा सफ़र तो अब रह नहीं गया हमारा लगभग। और तो दोस्तों जो आप पुल देख रहे हैं ना, इस पुल में काफ़ी गढ़वाली सॉन्ग की शूटिंग इस पुल में होती है और काफ़ी बढ़िया पुल है। तो दोस्तों यहाँ पे लगा है बहुत बड़ा जाम और काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, और आगे भी लंबी कतार लगी हुई है और लोग भी खड़े हैं साइड साइड में, और मुझको तो ऐसा लग रहा है कि शायद आगे हाथी होती है, क्योंकि ये पूरा रोड है ना, जो इस रोड में कभी भी हाथी आ जाते हैं, पूरा ऊपर जंगल है और नीचे मतलब मेन हाईवे और तो नीचे नदी है, तो इस कारण नदी में पानी पीने भी जानवर आया करते हैं, तो इस कारण हाथी रोड में आ ही जाते हैं। तो अभी तो काफ़ी लंबा जाम है और आगे लोग भी खड़े हैं और सारी गाड़ियां यहीं पे खड़ी है और काफ़ी लोग रोडों में खड़े हैं, गाड़ियों से उतरे हैं। तो दोस्तों एक भी नहीं, तीन तीन हाथी यहाँ पे साथ देखने को मिल रहे हैं, और कहते हैं ऊपर तो दोस्तों फाइनली लोग अपनी गाड़ी निकालने बैठ गए, और एक भाई साहब को जल्दी हो रही थी और गाते हुए पीछे ही भागने लग गया था अभी। तो मैं यही बोलूंगा कि जहाँ पे जानवर जूनवर रहते हैं वहाँ पे थोड़ा गाड़ी आराम से चलेगी, क्योंकि आपके लिए खतरा भी साबित हो सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ा गाड़ी आराम से चल। तो दोस्तों एक और जगह में हमें हाथी देखने को मिला, ये रोड में तो नहीं था, रोड से काफ़ी दूर है, और देख सकते हैं आप हाथी। तो ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों आज के ब्लॉग में जो प्लान था चरेक तक जाने का, वहाँ तक नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इस कारण मैं आधे से ही मुड़ गया, और ब्लॉग का एंड भी मैं आज अगले दिन कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो फैला दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।